सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज है मेरे पास स्विफिन एम्पली गेम AM6 USB माइक्रोफोन, और आप इसका लुक देख सकते हो भाई। लुक से बहुत ज्यादा बढ़िया है, स्पेशली इसका RGB इफेक्ट्स बहुत ज्यादा मस्त लगता है देखने में, और आप इसके RGB इफेक्ट्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। नीचे एक इन्होंने बटन दे रखा है जो कि भाई बहुत ज्यादा मस्त लगता है देखने में, आप देख ही सकते हो भाई क्या बढ़िया लग रहा है। और साथ ही में यहाँ पर इन्होंने नॉब दे रखा है जिससे आप माइक के वॉल्यूम को अपने अकॉर्डिंग अप डाउन कर सकते हो। और यहाँ पर इन्होंने गेम एंड चैट दे रखा है, चैट का नॉब दे रखा, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसे एडजस्ट कर सकते हो। इसका फंक्शन बताऊंगा मैं आपको। और साथ ही में यहाँ पर इन्होंने एक और नॉब प्रोवाइड कर रखा है हेडफोन के वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए। आप अपने वॉइस को हेडफोन लगा के मॉनिटर कर सकते हो कि भाई कैसा आवाज आ रहा है। और नीचे इन्होंने पोर्ट भी प्रोवाइड। और भाई इस माइक का LED रीसेट नहीं होता है, बोले तो अगर आप येल्लो पे ऑफ करोगे PC तो ऑन करने के बाद आपको दोबारा येल्लो ही मिलेगा। तो भाई ये चीज भी काफी बढ़िया लगा। नॉर्मल माइक में भाई LED रीसेट हो जाता है, तो इसमें नहीं होता। और भाई एकदम प्लग एंड प्ले माइक है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ तक कि ये मोबाइल में भी कनेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट आपको प्लग इन करना है, बस कनेक्ट हो गया। मोबाइल में कनेक्ट करने के लिए आपको OTG केबल की जरूरत पड़ेगी, प्लग इन करो कनेक्ट हो गया, उसके बाद रिकॉर्डिंग चालू। सो भाई एकदम हैंडी प्रोडक्ट है, इजी टू यूज, झमेला इच नहीं है, कहीं पर भी यूज कर सकते हो आप, खेतों के बीच में, नदी के बीच में, स्टूडियो, छत, जहां भी आपका मन हो। और दोस्तों अभी जो आप सुन रहे हो इसी माइक्रोफोन का आवाज है, और इसका एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेंगे लुएट 240 प्रो के साथ कि भाई कौन सा है बेस्ट, आपको कौन सा लेना चाहिए। तो चलिए अभी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। प्रोडक्ट पसंद आए तो बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है अपने प्रोडक्ट का बॉक्स। ऊपर इन्होंने एम्पली गेम को प्रिंट कर रखा है, साइड में फिफिन को प्रिंट किया, और नीचे AM6 कंडेंसर को प्रिंट किया है। बॉक्स के साइड में इन्होंने प्रिंट कर रखा है कि आपको इसके अंदर क्या क्या कंटेंट मिल रहा है, और नीचे ब्रांडिंग है, और ऊपर इन्होंने एक हैंडल प्रोवाइड किया है उठाने के लिए। और बॉक्स के साइड में इन्होंने अपने मेन सारे फीचर्स को प्रिंट कर रखा है, पीछे की तरफ भी फीचर्स ही है। तो चलिए अभी जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो दोस्तों बहुत सावधानी से अनबॉक्सिंग करना है। यह है इसका पेपर वर्क, यूजर मैनुअल, जिसके अंदर सब कुछ प्रिंट कर रखा है कैसे आपको यूज करना है। और यह अपना माइक बहुत सावधानी से धीरे धीरे खोलना है दोस्तों। सो दोस्तों 360 डिग्री सॉफ्ट कुशनिंग के साथ बहुत ही ज्यादा केयरफुल तरीके से इन्होंने माइक को डिलीवर किया है। तो ये हो चुका है अनबॉक्सिंग, ये है मेरा माइक। और दोस्तों ये है इसका टाइप सी USB केबल, क्वालिटी बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है। आज तक आपने कभी इतना मोटा डाटा केबल नहीं देखा होगा जितना कि इन्होंने प्रोवाइड किया है। भाई इसका थिकनेस बहुत ज्यादा है, और भाई अप्रोक्स 1.5 मीटर लेंथ है इस केबल का, जिस वजह से आप टेबल में किसी भी कोने में रखो, एक्स्ट्रा वायर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और भाई क्वालिटी में A1 है। सो दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है अपना माइक। यहाँ पर आपको एकदम मैट ब्लैक कलर का फिनिश देखने को मिल रहा है। माइक के ऊपर कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, जिस वजह से भाई माइक का कलर नहीं उतरेगा। तो भाई ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगा, और भाई डिटेलिंग एंड बिल्ड क्वालिटी में A1 है, प्लास्टिक का क्वालिटी बेस्ट है। और भाई माइक के साइड में जो आप इसका कर्व पार्ट देख रहे हो, ये इन्होंने मेटल फिट कर रखा है, जिस वजह से भाई इसका बिल्ड क्वालिटी बेस्ट है। और नीचे का जो गोल स्टैंड है ये आपको प्लास्टिक का मिलेगा, और स्टैंड के नीचे 4 रबड़ स्ट्रैप इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है ताकि जब आप इसे टेबल पे रखो तो एक बढ़िया ग्रिप प्रोवाइड करे और इजिली स्लिप ना हो। और भाई इसका ये भी फायदा होता है कि ग्राउंड नॉइस को एब्जॉर्व कर सके, और भाई टेबल पे रखे स्पीकर या फिर फैन के वाइब्रेशन को भी एब्जॉर्व कर सके। और ऊपर इन्होंने पॉपअप फिल्टर भी प्रोवाइड कर रखा है साउंड के शार्पनेस को रिड्यूस करने के लिए, जिसका भाई क्वालिटी बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर अंदर के साइड इन्होंने मेटल फिट कर रखा है और सराउंडिंग में है प्लास्टिक, जिस वजह से भाई ये लाइफ लॉन्ग है, मेटल भाई इजीली गंदा नहीं होता। और आप देख सकते हो इन्होंने एक स्माइली भी ऊपर प्रिंट कर रखा है, एकदम लाइट सा है, जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। और इसे कनेक्ट कैसे करना है, माइक के यहीं पर ही इन्होंने फनलिंग सा बना रखा है, और वही सेम चीज पॉपअप फिल्टर में भी है। तो आपको बस इसे फनलिंग के अंदर डालना और बस कनेक्ट हो गया, इजी टू यूज। और पॉपअप फिल्टर के ऊपर फिफिन के ब्रांडिंग को प्रिंट कर रखा है इन्होंने। और भाई माइक के आगे के साइड इन्होंने फंक्शन प्रोवाइड किया है, यहाँ पर एक नॉब दिया है गेम एंड चैट के बीच स्विच करने के लिए, या बैलेंस भी कर सकते हो। और साइड में इन्होंने 2 नॉब प्रोवाइड कर रखा है, एक है माइक का, दूसरा है हेडफोन का। और भाई क्वालिटी में बहुत ज्यादा बढ़िया है, डिटेलिंग में बेस्ट है, और आप यहां से माइक के वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो, और आप टोटल म्यूट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और नीचे उन्होंने हेडफोन का नॉब प्रोवाइड किया है रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए, जिसे आप म्यूट कर सकते हो या फिर आप वॉल्यूम को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। और पीछे है टाइप सी पोर्ट, यहाँ से आप लैपटॉप मोबाइल PC में कनेक्ट कर सकते हो। और एकदम नीचे की तरफ इन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक सॉलमा को प्रिंट किया, जो कि प्रूफ करता है कि भाई सेफ प्रोडक्ट है, टेस्टेड है। और नीचे 2 बटन मिल रहा है, पहला बटन है नॉइस कैंसिलेशन को ऑन ऑफ करने के लिए, और दूसरा बटन है इसके RGB फंक्शन को चेंज करने के लिए। फिर आता है 3.5 जैक हेडफोन कनेक्ट करने के लिए,
और साइड में एक स्क्रू सिस्टम भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, जिसे गोल घुमाकर आप माइक को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो कि आपको इसका फ्रंट किस साइड चाहिए, या फिर आप माइक को स्टैंड से पूरा फुल्ली रिमूव करके दूसरे स्टैंड में भी फिट कर सकते हो। सो ऑल ओवर माइक भाई बेस्ट है, क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया है और लुक्स में भी सुपर्ब है भाई। टेबल पे रखा रहता है तो बहुत ज्यादा मस्त लगता है देखने में, और अंदर के माइक का डायमीटर भी बड़ा है दोस्तों, जिस वजह से ये आवाज को थोड़ा ज्यादा लाउडली ग्रैब करता है कंपेयर टू अनदर यूएसबी माइक। और भाई माइक परफॉर्मेंस देखे तो भाई आवाज को बहुत बढ़िया ग्रैब करता है, और भाई थोड़ा सा क्रिस्पीनेस भर देता है आवाज में, ट्रिबल को थोड़ा सा इनहेंस कर देता है, साथ ही में बेस को भी इनहेंस कर देता है, जिस वजह से भाई सामने वाले को थोड़ा सा दमदार सा मैनली आवाज फील होगा अगर आप मेल हो तो, और फीमेल का आवाज भी बहुत ज्यादा बढ़िया ग्रैब करता है। तो भाई ऑलराउंडर देखा जाए तो काफी अच्छा है, और भाई इन्होंने यहाँ पर गेम दे रखा है और एक चैट दे रखा है, गेम में काफी बढ़िया बेस ग्रैब करता है, और अगर आपको बेस नहीं चाहिए तो आप चैट कर दो, अभी मैं आपको चैट करके दिखाता हूँ। चैट कर देने पर भाई बेस को कट ऑफ कर देता है, सिर्फ नॉर्मल आवाज ग्रैब करता है। तो भाई मुझे गेम मोड ज्यादा बढ़िया लगा क्योंकि मुझे बेस ज्यादा अच्छा लगता है। और दोस्तों इन्होंने नॉइस कैंसलेशन का फीचर्स भी दे रखा है, और मैंने अभी नॉइस कैंसलेशन फिलहाल ऑफ कर रखा है, और मेरे साइड में अभी एक टेबल फैन ऑन है जो कि भाई बहुत ज्यादा नॉइस है, और अभी आप सुनो कि इस नॉइस को कैसा ग्रैब कर रहा है और इस नॉइस को काट पा रहा है या नहीं। सो दोस्तों अभी आप सुन सकते हो कि मेरा कैमरे का माइक कितना ज्यादा नॉइस ग्रैब कर रहा है, और अभी आप सुनो कि माइक का, और ये माइक भाई नॉइस को पूरी तरह से दबा दे रहा है और सिर्फ वोकल्स को क्लियरली ग्रैब कर रहा है। और अभी तो भाई मैंने नॉइस कैंसलेशन ऑन भी नहीं किया है, बिना नॉइस कैंसलेशन ऑन करके ही भाई इतना बढ़िया नॉइस कैंसलेशन करता है, लेकिन भाई नॉइस कैंसलेशन ऑन करने पर बेस को थोड़ा सा घटा देता है, इसलिए मैं नॉइस कैंसलेशन अब तक ऑन नहीं कर रहा था, अभी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी आप सुन सकते हो कि मैंने इसका नॉइस कैंसलेशन ऑन कर दिया, और भाई बैकग्राउंड का जो भी नॉइस था पूरी तरह से रिड्यूस कर दिया इसने, हल्का सा भी आपको नॉइस अभी सुनाई नहीं देगा। और भाई ये माइक गेमिंग के लिए, ब्रॉडकास्ट के लिए, और भाई यूट्यूब वीडियो के लिए, बैकग्राउंड वॉइस ओवर के लिए एक बेस्ट माइक है, क्योंकि भाई जब हम लोग नया नया एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो अपने पास बजट कम होता है, जिस वजह से सराउंडिंग में नॉइज बहुत ज्यादा आता है, ट्रैफिक का नॉइस आता है, फैन का नॉइस आता है, और सीपीयू का कूलिंग फैन का नॉइस आता है, तो भाई वो बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। और अगर आपका एडिटिंग सही नहीं है तब तो भाई आपको ये माइक लेना ही चाहिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड के नॉइस को पूरी तरह से रिड्यूस कर देता है और एकदम क्लियर आवाज ग्रैब करता है। तो दोस्तों बिगिनर्स के लिए ये एक बेस्ट माइक है, और आप यहाँ से वॉल्यूम को कम ज्यादा भी कर सकते हो, हेडफोन के वॉल्यूम को आप कम ज्यादा कर सकते हो, और दोस्तों अगर आप अपने वोकल्स को मॉनिटरिंग भी करना चाहते हो बोलते बोलते ही, तो इन्होंने हेडफोन का फीचर्स भी दे रखा है, आप नीचे कनेक्ट कर सकते हो और वॉल्यूम को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और दोस्तों अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो ये है मेरे लुएट का, जिसे मैंने स्टैंड में यहाँ पर फिट कर रखा है, और आप डिस्टेंस देख सकते हो भाई कितना ज्यादा दूर है, तब भी आवाज को एकदम क्लियर तरीके से एंड लाउड तरीके से ग्रैब करता है, और भाई नॉइज बहुत ज्यादा लेता है। ये मेरे साइड में टेबल फैन ऑन है और आप देख सकते हो भाई, और आप सुन सकते हो कितना ज्यादा नॉइज ये ग्रैब करता है। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल के लिए है, क्योंकि भाई नॉइज बहुत ज्यादा काटना पड़ता है, सराउंडिंग नॉइज को काटना पड़ता है, स्टूडियो को बेटर करना पड़ता है ताकि भाई आसपास का नॉइस ना आ पाए। सो दोस्तों बिगिनर्स के लिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा, तो आपको यही लेना चाहिए भाई, ये बढ़िया है। और एडिटिंग के लिए मैंने इस पे 3 बार कॉम्प्रेसर लगाया साउंड को बैलेंस एंड बूस्ट करने के लिए, और 1 बार लिमिटर का यूज किया है, और वही लुएट में मैंने सिर्फ 1 बार कॉम्प्रेसर और 1 बार लिमिटर लगाया है, तो ये आवाज को थोड़ा ज्यादा ग्रैब करता है कम्पेयर टू फिफिन। सो दोस्तों लुएट आवाज को थोड़ा सा ज्यादा लाउडली ग्रैब करता है कम्पेयर टू फिफिन, लेकिन भाई नॉइज भी तो लेता है ना। सो दोस्तों मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, अगर आप इस माइक को खरीदो तो आपको गेम मोड पहले ऑन कर देना है, उसके बाद आपको नॉइज कैंसलेशन को भी ऑफ कर देना है, क्योंकि नॉइज कैंसलेशन ऑफ करने के बाद बेस बहुत ज्यादा ग्रैब करता है, क्रिस्पीनेस बढ़िया रहता है इसका। तो ये था मेरा रिव्यू भाई, जैसा मुझे लगा मैंने आपके सामने शेयर किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूं डिफरेंट वीडियो में डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ, और ये तो सुपर भाई।